पिछले कुछ दिन से जो कुछ भी जमान पार्क में हो रहा है गलत हो रहा है। अवाम एक एंग्जाइटी का शिकार है, अवाम एक दुख में मुब्तिला है। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये हुआ है कि हमारी यूथ बहुत इफेक्ट हुई है। वो यूथ जिसमें हम अपना कल देखते हैं, वो यूथ जिससे हमें बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो कल को इस मुल्क को हर तरह के बुहरान से निकालेंगे, तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, उस यूथ की आज कोशिश है जो कि लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए कि वो जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, जितने भी लायक बच्चे हैं, वो ये चाहते हैं कि वो मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क में अपना करियर बनाएं, वहाँ सेटल हों। तो जब इस तरह के सारे बच्चे हमारे मुल्क से निकल जाएंगे तो बचेगा क्या पीछे? मेरी मुहतबाना दरख्वास्त है चीफ जस्टिस साहब से और जितनी भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनसे, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। इस वक्त आपके किरदार की बहुत ज़रूरत है, इस वक्त इंसाफ की बहुत ज़रूरत है। इमरान खान एक अवामी लीडर हैं, उनके साथ अवाम है और अवाम को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, ये एक बहुत ही जुल्म और बर्बरियत की मिसाल है। वो बेकसूर अवाम जिनका कोई कसूर नहीं है, वो सिर्फ अपने पसंदीदा लीडर का साथ देने के लिए, उनके साथ यकजहती दिखाने के लिए पहुँचे हुए हैं। बराह करम इस तरह की सिचुएशंस का नोटिस लें ताकि आइंदा इस मुल्क में ये जंग का समा ना हो और जो कुछ भी हो वो कानून के मुताबिक हो। बराए मेहरबानी।